अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाजिर एक और देसी रेसिपी लेके हर बार तरह उम्मीद करती हूँ आपको ये भी रेसिपी मेरी पसंद आएगी। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गोभी गोश्त की रेसिपी। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैं आधा फूल गोभी ले ली, इसे धो के मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस अलग कर लिए। और ये आधा किलो है फूल गोभी मेरे पास, साथ में दो आधा दरमियान साइज़ प्याज थी जिसे मैंने स्लाइस काट लिए। आधा किलो गोश्त पड़ा है मेरे पास, इसमें दालों में पाँच आधा टमाटर है दरमियानी साइज़ के। और जो मसाले इसमें यूज़ होंगे वह है हरी मिर्च दो खाने चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, और आधी से भी थोड़ी जो चुटकी होती गरम मसाला है, नमक हसबे जायका, कुटी मिर्च आधी चाय का चम्मच, जीरा आधी चाय का चम्मच, और साबुत धनिया है कुटा हुआ एक खाने चम्मच भर करें। बाकी ये हरा धनिया और हरी मिर्च जो है ये गार्निशिंग के लिए रखी हुई मैंने था। तो इससे है हमारी बहुत मज़े की रेसिपी रेडी होगी। चला आते रेसिपी तरफ। सबसे पहले मैं कर लूँगी कढ़ाई में प्याज ब्राउन। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं एक चम्मच ये चमचा भर के तेल ले लिया मैंने, और इसमें डाल दूंगी मैं प्याज और इसे करूँगी थोड़ा फ्राई। जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है तब मैं ये टमाटर काट लूँगी, रफली चॉप कर लूँगी इसे। देखिए प्याज हमारे तकरीबन हो गए, इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, साथ में इसमें ऐड कर दूँगी मैं बीफ। ये देखिए इसमें गोश्त डाल दिया, थोड़ा भुनूंगी इसके साथ, इस साथ में इसे थोड़ी मैं देर में ऐड कर दूंगी टमाटर। तो थोड़ा सा बस इसको भुने के अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर। ये देखिए मैंने रफली चॉप करे हुए इसको ऐड कर दिए मैंने। एक कांच की प्याली थी छोटी वाली जो होती है दरमियान साइज की, पाँच आधा टमाटर डाले थे मैंने। तो अब इसको भुनूंगी मैं। देखिए हम थोड़ा भून लिया इसे, अब इसमें मैं हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी, साबुत धनिया कुटावा ऐड कर दूंगी, कुटी मिर्चें, हल्दी पाउडर, और साथ में ऐड कर दूंगी मैं फूल गोभी, और इसको मिक्स करेंगे अभी। देखिए इसको मिक्स कर लिया, अब इसमें मैं ना दो गिलास पानी ऐड कर दूंगी और इसे ढक के रख दूँगी कि हमारी गोभी भी गल जाए और गोश्त जो डाला वो भी गल जाए, फिर इसकी ऐड में भुनाई करेंगे। अब इसे मैं ढक दी कवर कर दूँगी। देखिए हमने इसकी भुनाई कर ली और देखिए बहुत मज़े की है, यम्मी से हमारी रेडी हो चुकी तकरीबन। अब इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दूँगी मैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। और एंड में ऐड कर देंगे हम गरम मसाला, एक दो चुटकी है, ज़्यादा नहीं है। अब इसको मिक्स करूँगी मैं और हल्की आंच पर रख दूँगी कि इसका रोगन थोड़ा ऊपर निकल आए, बाकी फिर इसको सर्व करेंगे हम। ये देखिए रेडी हो चुका है, रोगन निकल गया साइड और गरम गरम धुएं निकल गया। अब इसमें मैं जो है हरी मिर्चें रेड़ी काट ली, इसे सर्व डाल देंगे ऊपर। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा धनिया। लीजिए रेडी है मेरे स्टाइल से, मेमन स्टाइल से गोभी गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अब मिलें एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। जब तक लिए खुदा हाफिज़। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी।